अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं A1 टीवी। नजर डालेंगे शोबिज की रंगारंग दुनिया की तरफ। 21 साला भारतीय मॉडल और टीवी अदाकारा बदीशा डी बाजमदार ने खुदकुशी कर ली। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीवी अदाकारा पल्लवी डे के अचानक इंतकाल के बाद मॉडल से अदाकारा बनने वाली बदीशा डी बाजमदार की एक और मौत ने बंगाली फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। बाजमदार मुबैना तौर पर 25 मई को अपने किराए के अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाई गई। मारूफ कोलंबियन गुलकारा शकीरा की टैक्स फ्रॉड का मुकदमा खत्म करने की अपील मुस्तरद हो गई। गैर मुल्की खबर रसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन में जारी टैक्स फ्रॉड के मुकदमे में अदालत ने अपना फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि काफी शवाहिद मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर शकीरा के खिलाफ जारी मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता। गुलकारा ने मुकदमा खत्म करने की अपील की थी। शकीरा पर 2012 और 2014 के दरमियान $15.5 मिलियन का कम अज कम टैक्स अदा ना करने का इल्जाम है। अदाकारा साइमा नूर ने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में भरपूर दौर गुजरा, अपने काम पर खुश और अब मुतमईन जिंदगी गुजार रही हूं। एक इंटरव्यू में साइमा नूर का कहना था कि मौजूदा दौर में मेरी नज़दीक सब फनकार अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरों के काम में कीड़े निकालने के बजाय इस्लाह की गर्ज से रहनुमाई होनी चाहिए। वाजिया रहे कि साइमा नूर का शुमार पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री की नुमाया अदाकारों में किया जाता है जिन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर से अपने मद्दाहों को गर्विदा बनाया है।